लखनऊ में एक मदरसे में छात्राओं का यौन शोषण किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने आधी रात को मदरसे में छापा मारकर पर्दाफाश किया और मासूम 51 लड़कियों को काजी के चंगुल से आजाद कराया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद लड़कियों ने मदरसे के अंदर चल रहे पाप के खेल का खुलासा किया, जिससे सभी के होश उड़ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मदरसे में लड़कियों के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आधी रात को मदरसे पर छापा मारा और लड़कियों को आजाद करवाया। मदरसे में कुल 151 छात्राएं रहती थीं। छापेमारी के दौरान वहां 51 छात्राएं मौजूद मिली। अपनी आजादी के बाद छात्राओं ने पापी काजी की हरकतों का खुलासा किया। उनका आरोप है कि तैयब जिया उनके साथ मारपीट करता था। वह अपने कमरे में छात्राओं को बुलाकर पैर दबवाता था और छेड़छाड़ करता था। यहां तक कि मासूम बच्चियों से अश्लील डांस भी करवाता था। अपनी करतूतें छिपाने के लिए काजी लड़कियों को डराता धमकाता भी था। इसी के चलते अब तक लड़कियां चुप थीं, लेकिन अब काजी के पाप का घड़ा फूट चुका है। लड़कियों के इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी संचालक तैयब जिया को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।